दोस्तों, आदि पुरुष फिल्म पर हंगामा थमता नजर नहीं आ रहा। VFX से लेकर किरदारों तक फिल्म काफी डिस्प्यूट्स में छाई है और भारत में नहीं नेपाल में भी इसका काफी विरोध हो रहा है। आइए जानते हैं क्या मसला है। भारत में तो दोस्तों इसके VFX को लेकर और किरदारों जैसे श्रीराम, माता सीता और रावण को लेकर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, जिसमें हनुमान जी से गलत डायलॉग बुलवाए गए हैं, रावण को छपरी जैसा दिखाया गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन नेपाल में थिएटर के मालिक इस बात से नाराज हैं कि आदि पुरुष में माता सीता को भारत की बेटी बताया गया है। काठमांडू सिटी के मेयर ने मांग की है कि अगर ये लाइन हटाई नहीं गई तो फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा वो सभी हिंदी फिल्मों पर बैन लगा देंगे। फिल्म का एक डायलॉग है कि जानकी भारत की बेटी है, जबकि दोस्तों आप कोई सी भी रामायण देख लें, चाहे वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण या व्हाटएवर, सब में क्लियर है कि जानकी राजा जनक की पुत्री है और जनकपुर से बिलोंग करती है। और नेपाल के जनकपुर में इनका एक बड़ा मंदिर भी है जो आज से नहीं बल्कि काफी सालों से है। फिल्म के डायरेक्टर ओम रावत ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि 1903 से पहले नेपाल भारत में था, तो ऐसे में सीता माता को भारत की बेटी कहना गलत नहीं है। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है इस पर नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।